दोस्तों जब भी भारतीय क्रिकेट में सबसे बदनसीब खिलाड़ियों की लिस्ट या गाथा लिखी जाएगी तो उसमें सबसे ऊपर संजू बाबा का नाम होगा, क्योंकि संजू सैमसन की कहानी जीत से ज्यादा हार की कहानी है। और मैं अक्सर कहता हूं कि दोस्तों हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। संडे स्पेशल टॉप 5 की सीरीज में आज हम संजू बाबा यानी हमारे संजू सैमसन से टॉप 5 बातें सीखने वाले हैं। वो आज बातें जो हर क्रिकेटर जो क्रिकेटर बनना चाहता है या जो क्रिकेटर की दौड़ में है उसको ये कहानी और ये बातें सीख लेनी चाहिए। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन इंस्पिरेशन और हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों संजू सैमसन की कहानी की यदि बात करें तो जब ये सिक्स मारते हैं तो नेचुरली शॉट्स लगता है और एफर्टलेस शॉट लगता है। जब ये शॉट मारते हैं सिक्स मारते हैं तो लगता है कि इनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक जबरदस्त जो इनके सिक्स लगते हैं मैदान पर। और संजू बाबा की यदि बात करें तो 11 नवंबर 1994 को तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके पिता इनको क्रिकेटर बनाना चाहते थे और क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और पुलिस की जॉब में थे, उसके बावजूद उस जॉब को छोड़कर उन्होंने जो है संजू सैमसन को क्रिकेटर बनाने का डिसीजन लिया। बहुत ज्यादा मेहनत करी और पूरी दुनिया ने 2013 में इनको आईपीएल में जो है पहली बार सिक्स लगाते हुए देखा, ग्राउंड में देखा। और राजस्थान के लिए इन्होंने मैच खेला था और पहले ही सीजन में इन्होंने जो है 206 रन 11 मैचों में जो है मारे थे। और ये जो संजू सैमसन का सफर था ये बिल्कुल आसान सफर नहीं था और जबरदस्त तरीके से जो है आज ये क्रिकेटर खेल रहे हैं और राजस्थान के लिए बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और इस बार तो राजस्थान को टॉप पर पहुंचा दिया है। जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए शुरुआती जो मैचेस हुए थे 8 से 9 मैच हुए थे उसमें ये टॉप पर चल रहे थे और फाइनली वर्ल्ड कप की जो टीम है उसमें भी संजू बाबा का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ये जो ओवरऑल कहानी है संजू बाबा की ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये जो सफर रहा है बहुत कठिन रहा है, कभी अंदर कभी बाहर, 3-3, 4-4 साल ये बाहर रहे। अब इनकी क्या कमजोरी थी, क्या कुछ कहानी थी, उसको एक एक करके हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो सैमसन की यदि हम बात करें तो 18-19 साल की उम्र में जो है इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया और 20 साल की उम्र में ये भारतीय क्रिकेट टीम में भी इन्होंने डेब्यू कर लिया था। लेकिन ये जो सफर था जैसा मैंने बोला कि आसान नहीं था और संजू सैमसन को उनके पापा चाहते थे कि उनका ड्रीम था कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टफ डिसीजन भी लिए। 6-7 साल की उम्र में जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है उनके पिता इनको नेट प्रैक्टिस कराने के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए लेकर आए और जब वो घर से निकलते थे किट बैग लेकर निकलते थे तो बहुत सारे लोग ताना भी मारते थे कि ये सचिन बनेगा, भारतीय क्रिकेट टीम में जाएगा, ये देखो सचिन जा रहा है। और इन सारे तानों को उनके पिताजी ने सहा क्योंकि वो चाहते थे कि संजू सैमसन एक क्रिकेटर बने और भारतीय क्रिकेट टीम में जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टफ डिसीजन लिए, लगातार मेहनत करते रहे अपने बच्चे के लिए संजू सैमसन के लिए। और जब अंडर 19 का जो ट्रायल चल रहा था तो उसमें संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश हो गए और संजू सैमसन को लेकर वापस त्रिवेंद्रपुरम में आ गए और वहां पर फिर से जो है उनकी प्रैक्टिस कराने लगे। दोस्तों संजू सैमसन जब भी प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो उनके माता पिता जो है बस स्टैंड तक उनकी किट के साथ जो है उनके पिताजी छोड़ने जाते थे, उनके भाई छोड़ने जाते थे। और संजू सैमसन अपने प्रैक्टिस का एक किस्सा शेयर करते हैं सभी लोगों से और वो कहते हैं कि जब वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस मैदान में फिरोज शाह कोटला मैदान में कई बार गौतम गंभीर भी वहां पर जो है प्रैक्टिस करने के लिए आते थे और संजू सैमसन हमेशा ये सोचते थे कि एक बार गौतम गंभीर सर जो है उनके शॉट पर देखे, उनको देखे कि वो कैसा खेलते हैं, कितना बेहतर खेलते हैं। लेकिन गौतम गंभीर की नजर तो उन पर कभी गई नहीं, लेकिन हाँ राहुल द्रविड़ सर की नजर एक बार उन पर गई और उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत तगड़ा शॉट मारता है। और जब आईपीएल के लिए उनका ट्रायल लिया राहुल द्रविड़ सर ने तो उनका सिलेक्शन हो गया राजस्थान रॉयल में और उन दिनों राजस्थान रॉयल में जो है राहुल द्रविड़ सर ओपनिंग करते थे और फर्स्ट डाउन जो है इनको खेलने का मौका मिला। और जब संजू सैमसन वहां पर मैच खेलने के लिए गए तो उन्होंने पहला शॉट मारा और वो चौका हो गया और राहुल द्रविड़ सर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि थोड़ा ठीक है देख के खेलना। अगला शॉट फिर मारते हैं और दोबारा राहुल द्रविड़ सर उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि जो तेरा स्टाइल है, जो जिस तरीके से तू खेलता है ठीक अपने तरीके से खेल, यानी वहां पर जो है उनको मोटिवेशन देने का काम किया संजू सैमसन को। और संजू सैमसन कहते हैं कि राहुल द्रविड़ सर का जो नेचर है वो बहुत शानदार है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है क्योंकि राहुल द्रविड़ सर बहुत ही विनम्र आदमी है और राहुल द्रविड़ सर का नेचर ऐसा है कि वो अपने राजस्थान टीम के जो ओनर है उनसे जिस तरीके से वो बात करते हैं ठीक उसी तरीके से ग्राउंड स्टाफ जो होता है उनसे भी बातें ठीक वैसे ही करते हैं और ये उनका नेचर है, ये कोई दिखावा नहीं करते, ठीक इस तरीके का ही उनका नेचर है और वो इस तरीके के जो है रहते हैं। तो राहुल द्रविड़ सर से वो बहुत कुछ जो है सीखे उन्होंने और वो कहते हैं कि राहुल द्रविड़ सर जब भी उन्हें कुछ बताते हैं
सिखाते हैं, वो तुरंत आकर अपनी डायरी में जो है संजू सैमसन लिख लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भूलने की बहुत ज्यादा आदत है और अक्सर मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, तो मैं राहुल द्रविड़ सर जो भी मुझे बताते हैं उसको जो है तुरंत मैं घर पर आकर जो है अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों आप बात करते हैं संजू सैमसन के डेब्यू की। 20 साल के आसपास जो है संजू सैमसन का भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू होता है और अगला जो उनका डेब्यू होता है वो 4 से 5 साल बाद होता है और इस बीच में उनको केरला की टीम से भी ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। एक बार सीसीए स्टेडियम में वो खेल रहे थे और जब आउट होकर आते हैं तो अंडर ड्रेसिंग रूम में आते हैं और अपने बल्ले को बहुत तेजी से मारते हैं और वो बल्ला जो है टूट जाता है और बोलते हैं कि ये लो अपना बल्ला पकड़ो और मुझे नहीं खेलना, बहुत हो गया, छोड़ दूंगा मैं क्रिकेट, और जो है समुद्र के किनारे मरीन ड्राइव पर जाकर वो बैठ जाते हैं। और बहुत नेगेटिव थॉट्स जो इनके दिमाग में आ रहे थे, सोच रहे थे कि अब तो क्रिकेट छोड़ देना है, अब बहुत हुआ, बहुत सारी चीजें हो गई, क्योंकि बार बार हर क्लब में अंदर बाहर टीम इंडिया से ड्रॉप आउट हो जाते थे, क्योंकि 4 साल का गैप बहुत ज्यादा होता है कि आप डेब्यू करते हो उसके बाद 4 साल बाद फिर आपको लिया जाता है इंडियन टीम में, फिर आप बाहर हो जाते हो, तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। फिर अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन उनके अंदर आया कि नहीं यार ये जो कमियां हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे लड़ना है, लड़के ही हम जीत सकते हैं, क्योंकि यदि हम गिव अप कर जाएंगे तो वो जो ड्रीम है, जो फैमिली का ड्रीम है, जो हमारा ड्रीम है वो तो चला जाएगा। तो वहां से थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और दोबारा खेलते हैं, प्रयास करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। एक और किस्सा संजू सैमसन सुनाते हैं कि जब वो अपने भाई के पास जाते हैं और भाई से बात करते हैं कि यार तुम्हें कब ऐसा लगा कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम में चला जाऊंगा, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि हम दोनों ने साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया, साथ में प्रैक्टिस शुरू करी, तो क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि यार मैं भारतीय क्रिकेट टीम में चले जाऊंगा। तो उनके भाई बताते हैं कि भैया जब लोग आपको बोलते थे कि यार तुम क्या ये भारतीय क्रिकेट टीम में जाएगा, तो मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि नहीं तुम भारतीय क्रिकेट टीम में जाओगे, उस जर्सी को पहनोगे, लेकिन अब जब तुम भारतीय क्रिकेट में चले गए हो, वो जर्सी जो है क्रिकेट की भारत को जो तुम्हें मिल गई है, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि नहीं मेरा भाई भारतीय क्रिकेट टीम में चला गया है। दोस्तों आप बात करेंगे संजू सैमसन की उस कमी के बारे में, जिस कमी के कारण संजू सैमसन हर बार टीम से अंदर और बाहर जो है लगातार होते रहते थे और ये जो कंसिस्टेंसी थी उसको वो बरकरार नहीं कर पाते थे। बात उस समय की है जब श्रीशांत जो है संजू सैमसन को लेकर राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जाते हैं सिलेक्शन के लिए और वहां पर उनका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद जब पंजाब के खिलाफ उनके 27 रन की वो पारी आती है फर्स्ट मैच में, और शानदार तरीके से वो पारी आती है क्योंकि उस मैच में रहाणे नहीं चल पाए थे, ब्रेड हॉग नहीं चल पाए थे, राहुल द्रविड़ नहीं चल पाए थे, वहां पर शानदार तरीके से उन्होंने वो मैच खेला था। उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन किया था, अपने केरल के लिए भी शानदार तरीके से प्रदर्शन किया था, क्योंकि केरल के बैट्समैन हैं संजू सैमसन, ऑलराउंडर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है कश्मीर के खिलाफ बहुत, जम्मू कश्मीर के खिलाफ बहुत शानदार शतक भी लगाया था, लेकिन उसके बाद रणजी ट्रॉफी में जो है वो लगातार 7 पारियों में 107 रन ही बना पाए थे, तो वहां पर वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद यदि अंडर 19 टीम की बात करें तो वहां पर उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और इमर्जिंग का अवार्ड भी उन्होंने वहां पर इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी हासिल किया। अब जब उनको डेब्यू करने का मौका मिलता है टीम इंडिया की तरफ से जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो वहां पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते और वो जो हम कमजोरी की बात कर रहे थे कि लगातार जो कंसिस्टेंसी है उसको वो बरकरार नहीं कर पाते, फिर बाहर होते हैं फिर अंदर होते हैं। उसके बाद संजू सैमसन ये समझ चुके थे और उनको वो कमजोरी फील हो गई थी कि भाई उनकी क्या कमजोरी है और उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है वहां पर, और वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख सीखी और वो सीख ये थी कि पेशेंस रखना है, वो धैर्य का जो रास्ता था उस धैर्य के रास्ते को उन्होंने चुना और उसके बाद दोबारा से मैच खेलना शुरू किया और लगातार जो है अपने प्रदर्शन को बेहतर करते चले गए। और संजू सैमसन के खिलाफ एक शानदार रिकॉर्ड भी है, 18 साल और कुछ दिन की उम्र में उन्होंने जो है हाफ सेंचुरी लगाई थी, अर्धशतक लगाया था और शायद 43 गेंद में 63 रन की शायद पारी खेली थी उन्होंने, और बहुत शानदार तरीका, हालांकि वो रिकॉर्ड बाद में टूट गया था, और बहुत शानदार तरीके से जो है उन्होंने खेले। और इस बार का जो IPL है उसमें हम देख ही रहे कि शानदार तरीके का परफॉर्मेंस है, अपनी राजस्थान रॉयल्स को वो लगातार ऊपर लेकर चल रहे हैं और अब तो भारतीय क्रिकेट टीम में भी उनका सिलेक्शन हो गया है, तो देखना होगा, उम्मीद है सबको है कि इस वर्ल्ड कप में शानदार तरीके से वो परफॉर्मेंस करें और वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, रोहित शर्मा का जो ड्रीम है, पूरे इंडिया का जो ड्रीम है, उस ड्रीम को वो अचीव करें। और जब संजू सैमसन का सिलेक्शन होता है टीम इंडिया के अंदर, तो ये सिर्फ उनके लिए खुशी नहीं थी, पूरे भारत के जो भी उनके फैंस थे, हर व्यक्ति उनके फैंस थे, उन फैंस की ये जीत थी और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग खुश नजर आए कि ये सिर्फ संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरे भारत का सिलेक्शन हुआ है, क्रिकेट प्रेमियों का सिलेक्शन हुआ। तो अब सब लोगों की उम्मीद है संजू सैमसन की कि वो वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करें और जैसा मैं बोल रहा था कि वो जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी इंडिया के लिए अचीव करें। तो ये थी संजू सैमसन की कहानी जिसमें जीत से ज्यादा हार है, और संजू सैमसन में हमेशा अपने इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि आपको
हर बार जीत नहीं मिलती, हार भी मिलती है, और उस हार से सीख के, क्योंकि जीवन यही है, और उसी हार से सीख कर लगातार जो है आपको आगे बढ़ना होता है, आपकी हार से सीखना होता है। इसलिए दोस्तों हम भी कहते हैं कि यार हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद करते हैं संजू सैमसन की ये कहानी आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत प्यारी लगी होगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, हमारे इस चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।